नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है साइकोलॉजी की क्लास में। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, साइकोलॉजी के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। साइकोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा, हम विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में देखिए, हमारा जो विषय है वो है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के बारे में हम अध्ययन करें तो हमारा जो आता है निकल करके शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो विधियों और सिद्धांतों पे चलता है। एक थोर्नडाइक की एक बहुत बड़ी बात है, एडवर्ड ली थोर्नडाइक ने एक बात कही थी, एडवर्ड ली थोर्नडाइक की एक बात थी कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं शिक्षण विधियों पर कार्य करता है, सिद्धांतों और शिक्षण विधियों पर कार्य करता है। ये बात कही थी एडवर्ड ली थोर्नडाइक ने। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा विचार इनका था। अब देखिए, हम जब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उसकी विधियों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। विधियों को हमने दो रूपों में रखा था साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। और जब उन विधियों की हम बात करते हैं तो उन विधियों को हम दो रूपों में रखते हैं। एक तो विधियां हैं उनकी आत्मनिष्ठ विधियां। दूसरी जो रखी जाती है इसमें, वो रखी जाती है वस्तुनिष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियों के बारे में हमने चर्चाएं कर ली थी साथियों, एक बार पुनः आप लोगों को बता रहा हूं। आत्मनिष्ठ विधियों में हमारे पास जो थी वो थी गाथा वर्णन विधि, और जो दूसरी इसमें रखी गई थी वो थी अंत दर्शन विधि। इन दो रूपों में इसको रखा गया था। उसके बाद में हम चर्चाएं कर रहे थे, हमारी बात थी वस्तुनिष्ठ विधियों पे। वस्तुनिष्ठ जो विधियां थी, इन विधियों को याद रखना जरूरी है। ये जो आत्मनिष्ठ विधियां हैं इन्हें कहते हैं ए मनोवैज्ञानिक विधियां। ये जो वस्तुनिष्ठ हैं इन्हें कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधियां। इन विधियों में हमने चर्चाएं कर ली थी। उन विधियों जिनके बारे में हमने अच्छे तरीके से चर्चाएं की थी उनमें से देखिए साथियों, हमारे सामने जो था पहले में था इधर अंतर्दर्शन था, तो यहाँ बहिर्दर्शन विधि था। इसके बारे में हमने चर्चाएं नहीं की, इस विधि के बारे में, बहिर्दर्शन विधि। उसके बाद में दूसरी यहाँ पे थी जीवन इतिहास विधि। उसके बाद में हमारे यहाँ पे थी प्रश्नावली विधि। उसके बाद में यहाँ पे हमारे सामने थी साक्षात्कार विधि। उसके बाद में मैंने कहा कि व्यक्तित्व मापन की कुछ प्रक्षेपी विधियाँ थी। इनसे हम प्राणी के व्यवहार का भी मापन कर सकते हैं और प्राणी के व्यक्तित्व का भी मापन कर सकते हैं। दोनों चीज़ों का मापन किया जाता है। अब यहाँ बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास विधि और प्रश्नावली विधि, और अगली कौन सी है, साक्षात्कार विधि। अब इसमें देखिए साथियों, बहिर्दर्शन विधि, जीवन इतिहास, इसके अलावा मैंने कहा आपको कि व्यक्तित्व की
व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियां। व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों के बारे में अगर हम चर्चाएं करें तो हमारे सामने आती हैं, देखिए, रोर्शाशाही धब्बा परीक्षण, रोर्शाशाही धब्बा परीक्षण है। उसके बाद में हमारे सामने आता है टैट, टैट का बनता है थेमेटिक एप्रेप्शन टेस्ट। उसके बाद में बनता है स्कैट, चिल्ड्रन एप्रेप्शन टेस्ट। यानी यहाँ पे टेट का तो यह है, हिंदी में हम इसे कहते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, और इधर हम कैट को कहेंगे बालक बाल अंतर्बोध परीक्षण है, या फिर हम कहेंगे बाल संस्करण परीक्षण। इन विधियों से इसको नाम जाना जाता है। इसके अलावा इस विधियों में हम बात करें तो हमारे सामने है खेल एवं ड्रामा विधि, खेल एवं ड्रामा विधि। इसके बाद में और भी विधियां आती हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक को अगर हम छोड़ें, उससे आगे हम बात करें तो मनोविश्लेषण विधि भी आती है हमारे सामने, मनोविश्लेषणात्मक विधि भी शामिल की जाती है। मनोविश्लेषणात्मक विधि को भी हम इसमें शामिल करते हैं। ये जो विधियां हैं, इन विधियों को इस तरीके से रखा जाता है। हमने जो चर्चाएं की थी पहले तो हमने इन बातों की चर्चाएं की कि मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं क्या, रियलिटी क्या है मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक की। उसके बाद में हमने बहिर्दर्शन विधि के बारे में पढ़ा कि बहिर्दर्शन विधि क्या है। बहिर्दर्शन विधि के की हमारी बीच में थी, उसके पहले देखिए हमने जीवन इतिहास विधि के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, जीवन इतिहास विधि। और हमारा जो पिछली वीडियो में जो चल रहा था उसका नाम था प्रश्नावली विधि, जिस विधि के बारे में हम चर्चाएं कर रहे थे, जिस विधि के बारे में हम पढ़ रहे थे। अब हम एक एक विधि के बारे में ध्यान से पढ़ रहे हैं। कुछ विधियों के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। प्रश्नावली विधि में देखिए, प्रश्नावली विधि के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं साथियों। प्रश्नावली विधि, क्या है प्रश्नावली विधि में देखिए साथियों, प्रश्नावली विधि की अगर हम बात करें तो प्रश्नावली विधि पिछली वीडियो में हमने यहीं से छोड़ा था। प्रश्नावली विधि जो है उसमें हमें एक बात ये याद रखनी है कि इसमें जो बच्चे जो भी बालक है या शिशु है, प्रौढ़ है, उसका जो अध्ययन करना है उसका दो ही रूपों में, एक तो उसका व्यवहार, प्राणी का व्यवहार, एक तो है प्राणी का व्यवहार। एक चीज तो देखी जाती है ये प्राणी के व्यवहार की, और दूसरा इसमें जो शामिल किया जाता है वो देखिए, एक तो हो गया प्राणी का व्यवहार है, और दूसरा इसमें प्राणी का व्यक्तित्व भी देखा जाता है। व्यवहार को किसके साथ शामिल करते हैं, इसके साथ जो चीज़ देखी जाती है इन विधियों में वो देखी जाती है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ इस विधि में हम किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको साथियों कि हमारे सामने कुछ चीज़ें हैं। जैसे मैं आप लोगों को कहूँ कि विज्ञान के साथ हम इसको जोड़ें, और विज्ञान के साथ अगर हम इसको जोड़ें तो इस तरीके से देखिए, जब हमारे सामने विज्ञान होगा, क्योंकि इस विधि को किस तरीके से लागू करेंगे, और जब लागू करेंगे मनोवैज्ञानिक ढंग से इनको लागू करेंगे तो विज्ञान होगा, और विज्ञान में मुख्यतः तीन चीज़ें होंगी,
एक तो प्रयोग होगा, दूसरा प्रयोज्य होगा और तीसरा प्रयोगकर्ता होगा। प्रयोग, प्रयोज्य और तीसरा हमारे सामने जो है वो है प्रयोगकर्ता। प्रयोग यानी जिसके ऊपर हम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु, जिस विषय वस्तु पे हम कर रहे हैं उसको हम नाम देते हैं प्रयोग। उसके बाद में दूसरा हमारे सामने प्रयोज्य है, जिसके ऊपर हम कर रहे हैं। जैसे हम कक्षा में बालकों के ऊपर कर रहे हैं, तो बालकों के ऊपर कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कक्षा के जो बालक होंगे वो किसकी भूमिका में रहेंगे? प्रयोज्य की भूमिका में। तीसरा प्रयोगकर्ता जो होगा, प्रयोग करने वाला जो होगा वो कौन होगा? वो शिक्षक होगा। वो को क्या कहलाता है? प्रयोगकर्ता। ये तीन रूपों में कहलाते हैं, प्रयोज्य, प्रयोगकर्ता और प्रयोग। ये तीन चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं साथियों। अब देखिए, इनमें ये चीज़ें शामिल की जाती हैं, उसके बाद हम अगर चर्चाएं करें इसमें प्रयोज्य, प्रयोगकर्ता और प्रयोग में, इसी प्रश्नावली विधि में इन चीज़ों को हम लागू करें तो इसमें प्रश्नावली इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है। इस शब्द में पहले तो इसके प्रतिपादक, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में शायद बता दिया था, प्रतिपादक जो हैं, इसके जो प्रतिपादक हैं वो वुडवर्थ हैं। कौन है? वुडवर्थ। वुडवर्थ एक व्यवहारवादी थे। वुडवर्थ की एक परिभाषा आप लोगों को याद आती होगी, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है वुडवर्थ की परिभाषा के बारे में। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान के संबंध में परिभाषा दी थी। उस परिभाषा को मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये परिभाषा बहुत लंबी चौड़ी है, बच्चों को याद भी नहीं होती है और अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। वुडवर्थ ने कहा था, मनोविज्ञान जब हमारा उदय की ओर था, जब हमारा मनोविज्ञान का उदय हुआ था, मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस समय देखिए वुडवर्थ का जो स्वरूप था, वुडवर्थ के जो वर्ड थे, वुडवर्थ के जो भाव थे, वुडवर्थ के जो शब्द थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस तरीके से कि मनोविज्ञान ने, वुडवर्थ जो स्वयं था वो व्यवहारवादी था, वुडवर्थ व्यवहारवादी था, और वुडवर्थ ने एक बात कही थी कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को छोड़ा, फिर मन व मस्तिष्क को, फिर मन व मस्तिष्क को छोड़ा और फिर चेतना का त्याग किया, त्याग किया और वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान को अपनाए हुए हैं। ये बात कही थी। अब बच्चे क्या कहते हैं कि अक्सर सर ये परिभाषा जो होती है वो हमें याद नहीं होती, अक्सर पूछी जाती है। वैसे चाहे बीए बीएड के पेपर हो, बीएड के हो, यहाँ से लेकर के कंपटीशन तक का जो लेवल है उस तक ये परिभाषाएं पूछी जाती हैं। अब देखिए, ये परिभाषाएं याद नहीं होती, आप लोगों का एक ही मानना है। इसमें देखिए, सबसे पहले हमने बात किसकी की? आत्मा की। मनोविज्ञान को हमने आत्मा का विज्ञान कहा था साथियों, आप लोगों को याद हो तो। उसके बाद में दूसरी बार हमने आत्मा को जब अस्वीकार किया था तो उसमें हमने मन व मस्तिष्क के विज्ञान की बात कही थी, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। उसके बाद में तीसरे नंबर पे हमने चेतना के विज्ञान की बात कही थी, चेतना का विज्ञान। उसके बाद में चार नंबर पे हमने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, मन व मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, और चौथा था व्यवहार का विज्ञान। ये इन विज्ञानों के बारे में हमने चर्चाएं की, मनोविज्ञान किस किस दृष्टि से चल करके आया, कहां कहां से। ये जो था वो 16वीं शताब्दी में था, ये 17वीं शताब्दी में था, 17वीं से 19वीं शताब्दी में चला था, नहीं सॉरी
ये 16वीं में और ये 17वीं में, और ये 16वीं शताब्दी में, ये 17वीं शताब्दी में, 17वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी तक चला था। और 19वीं शताब्दी में ही ये चला था 1870 से 1900 ईस्वी तक, यानी ये भी कौन 19वीं शताब्दी में चला था। 17वीं और 18वीं शताब्दी की दोनों की बात करें तो मन और मस्तिष्क का विज्ञान चला था। 19वीं शताब्दी में कौन सा चला था, मात्र 30 वर्षों तक जो विज्ञान चला था वो चेतना का विज्ञान चला था, सबसे कम समय तक चला था। लेकिन इससे पहले जब अध्ययन होते थे, हम कहें कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला विज्ञान जो था वो 16वीं शताब्दी में था। और वर्तमान में जो विज्ञान चल रहा है वो व्यवहार का विज्ञान चल रहा है। यहाँ 1870 से लेकर के 1900 यानी मात्र कितने वर्षों तक, 30 वर्षों तक अध्ययन होता रहा, किसके संबंध में, चेतना के संबंध में। इसको भी अस्वीकार किया गया और वर्तमान में किसको अपनाया गया था, व्यवहार के विज्ञान को अपनाया गया था। साथियों यही स्वरूप रहा, और जब ये स्वरूप रहा है तो आप यकीनन मानिए कि हमें बस यही याद करना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या था, आत्मा का विज्ञान। एक तो ये कितने क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो रहे हैं, देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान किसका, आत्मा का, फिर मन और मस्तिष्क का, फिर चेतना का, और फिर व्यवहार का। अब आत्मा का विज्ञान, फिर मन और मस्तिष्क का विज्ञान, और फिर चेतना का, और फिर व्यवहार का विज्ञान, इन रूपों में रखा गया था। अब इनको हमें हटाते जाना है, यही बात वुडवर्थ ने कही थी। परिभाषा पे मत जाइए, आप इसको समझिए कि सबसे पहले आत्मा को छोड़ दिया, फिर मन मस्तिष्क को छोड़ दिया क्योंकि ये मान्य नहीं हुआ, और फिर चेतना को भी छोड़ दिया, ये भी नहीं मान्य हुआ। माना किसको गया था वर्तमान में, व्यवहार के विज्ञान को माना गया था। तो यही परिभाषा वुडवर्थ की है। और इसी वुडवर्थ ने, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आप लोगों को बीच में, इसी वुडवर्थ ने, ये जो वुडवर्थ था, इसी वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। प्रश्नावली विधि के बारे में बताने वाला जो विद्वान था वो वुडवर्थ था। इसी वुडवर्थ ने प्रश्नावली विधि के बारे में बताया था, और इसके प्रतिपादक जो थे वो वुडवर्थ थे प्रश्नावली विधि के। वुडवर्थ ने इसका जो प्रतिपादन किया था 1920 और 21 में किया था साथियों, 1920 से 21 ईस्वी के बीच में प्रश्नावली विधि का। और प्रश्नावली विधि क्या काम करती है, देखिए प्रश्नावली विधि प्राणी के व्यक्तित्व एवं व्यवहारिक, व्यक्तित्व एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को, दृष्टिकोण को सामने लाती है। अब साथियों ये जो विधियां हैं, इन विधियों से प्राणी का मूल्यांकन होता है। क्या होता है, प्राणी का मूल्यांकन किया जाता है, प्राणी का मूल्यांकन इन्हीं विधियों से किया जाता है कि प्राणी किस स्वरूप में, किस दृष्टि से, किस स्वरूप, किस वे में रहा है। तो प्रश्नावली विधि की हम बात करें कि प्राणी के व्यक्तित्व में व्यवहारिक दृष्टिकोण से सामने लाती है, उसका प्रतिपादन जो किया था 1920 ईस्वी में, 2021 में वुडवर्थ ने किया था। अब ये तो बात हो गई हमारी की प्रश्नावली विधि है किस तरीके से काम करती है। प्राणी के सामने सबसे पहले क्या आती है, एक शिक्षक प्रयोग करता है, प्रयोग, प्रयोज्य और प्रयोगकर्ता, तीन चीजें थी जिसमें प्रयोग करता है, उसके सामने सबसे बड़ी बात आती है कि कोई समस्या, कि कोई ना कोई समस्या का चयन होता है सबसे पहले। और जब समस्या का चयन होता है तो उसके ऊपर आधारित निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं, उस समस्या का समाधान भी किया जाता है, किस किस तरीके से वो समस्या किस रूप में आई है, किस किस तरीके से चली है। तो उसके बारे में हम बात करें, देखिए कि पर्सनावली विधि में, तो इसमें सबसे पहले जो स्वरूप होगा, किस तरीके से काम लेंगे इस पर्सनावली विधि को, ये मान के चलिए एक हमारे पास कोई सादा कागज है, पेपर जिसको बोलते हैं, इस पर्सनावली विधि का एक उपनाम है, उपनाम में अगर इसे रखा जाता है तो वो उपनाम है कागज पेंसिल विधि, कागज पेंसिल विधि। कागज पेंसिल विधि किस, कौन सी विधि के उपनाम से जाना जाता है, पर्सनावली विधि के उपनाम से जाना जाता है। इसमें मान के चलिए कागज है, और इसमें इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बना रहा हूं उस तरीके से कुछ क्वेश्चनों का निर्धारण किया जाता है, उसमें उसी तरीके से क्वेश्चनों का निर्धारण किया जाता है, ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखे जाते हैं।
अब आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन कितने क्वेश्चन लिए जाते हैं इसमें। सबसे बड़ी बात ये आप लोगों के सामने आ रही होगी, इसमें जो मुख्यतः ये तो हमने बताने के लिए, इसमें जो कुल क्वेश्चनों का जो स्वरूप लिया जाता है, कुल प्रश्नों का जो स्वरूप लिया जाता है वो स्वरूप 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कितने प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं, 20 प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं इसमें साथियों। जब इसमें 20 प्रश्न निर्धारित किए जाते हैं साथियों, तो इन 20 प्रश्नों की अगर हम बात करें तो ये जो 20 प्रश्न है वो प्राणी के व्यक्तित्व एवं जो व्यवहार है उनका आकलन निकाल करके देते हैं। अब ये ही जो स्वरूप है वो ही क्लासों में भी लागू होता है, किसी न किसी कक्षाओं में भी उन बालकों के ऊपर। अब ये निर्धारित प्रश्न दे दिए, इनके ये आंसर दे दिए, इसमें ए है, बी है, सी है। अब इसमें ये क्वेश्चन भी हो सकते हैं या इसमें इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन नंबर, ये मैंने यहाँ बनाया और इसी तरीके से यहाँ पे ये दे दिया। अब यहाँ पे जो सत्य और असत्य वाले जो क्वेश्चन हैं आप लोगों ने सुने होंगे, सत्य और असत्य यानी सही और गलत वाले, अब इसमें कुछ क्वेश्चनिंग दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे दे दिया जाता है कि मैं रोजाना 4 बजे उठता हूँ, बात सत्य है तो यहाँ से सही पे टिक लगाएंगे, नहीं है तो यहाँ कुछ कह नहीं सकते तो उसके ऊपर टिक लगाएंगे। अभी ये तीन प्रकार के ऑप्शन वाले भी आते हैं, इसमें कहा जाता है सत्य, सही, गलत या कुछ कह नहीं सकते। ये इस तरीके के तीन स्वरूप रहते हैं इसमें, और इसमें प्रश्न जो होते हैं प्रश्नों का स्वरूप होता है, प्रश्नों के आधार पर व्यक्तित्व के किसी के व्यक्तित्व का व्यक्तित्व में भी इस विधि को शामिल किया जाता है और मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण विधियों में आती है और मनोवैज्ञानिक विधि कहलाती है प्रश्नावली विधि। अब क्या है कि इसमें हम प्रश्न ले लिए बच्चे से बालकों के ऊपर कर रहे हैं तो बालकों से संबंधित प्रश्न होंगे, शिशुओं पर कर रहे हैं तो शिशुओं से संबंधित होंगे, और यानी प्रौढ़ों में कर रहे हैं तो प्रौढ़ों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और वो जो क्वेश्चनिंग होगी उन क्वेश्चनिंग से हम निर्धारण करेंगे किसी प्राणी के व्यक्ति विशेष का कि किस रूप से इनको देखा जाए। अब क्या होता है प्रश्नावली इसी विधि में, प्रश्नावली विधि के हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं कई प्रकार के, तो उसमें देते हैं, आपने कई पुस्तकों में पढ़ा होगा प्रश्नावली विधि के प्रकार। प्रश्नावली विधि के प्रकारों में हम अगर बात करें तो प्रश्नावली विधि के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं साथियों, 4 प्रकार हैं। ये तो आपको मैंने बता दिया कि इसको कागज पेंसिल विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि कागज होता है सादे कागज के ऊपर है, प्रयोज्य को उनके आंसर देने होते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों निकल करके जो आती है वो ये आती है कि इसमें जो प्रयोज्य जो होता है वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। तो प्रश्नावली विधि के 4 प्रकारों में हम बात करें, पहला है हमारे पास खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली। दूसरी हमारे पास जो है वो है बंद प्रश्नावली। ये है हमारे पास प्रश्नावली के प्रकार, प्रश्नावली के प्रकार। कितने प्रकार की, 4, खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली। तीसरी है सचित्र प्रश्नावली और चौथी है मिश्रित प्रश्नावली। पहली, अगर एक समझ लिया इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिशन में भी। पहली खुली प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली में क्या होता है कि खुली प्रश्नावली जो है उसके बारे में देखिए, खुली प्रश्नावली के बारे में समझिए कि खुली प्रश्नावली में जो होते हैं वो प्रयोज्यों का समूह होता है। क्या होता है, प्रयोज्यों का समूह होता है साथियों, और इसमें जो प्रयोज्यों का समूह होता है, प्रयोज्य जो होते हैं अपने समूह में जो पर्सनावली है उसको दिया जाता है। यानी समूह का मतलब कि एक क्लास के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, एक क्लास पे, एक कक्षा पे अध्ययन कर रहे हैं, और उस कक्षा पे अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उस कक्षा में हम बात करेंगे कि 50 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, कुल 50 बच्चे हैं।
उन 50 बच्चों पे हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उन 50 बच्चों को एक साथ, वो जो 50 बच्चे हैं उन 50 बच्चों को, यानी एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, इसी तरीके से हमने सभी को एक साथ, और जितने हमने इनको जो पेपर थमाए, जिनको हमने इनको क्वेश्चनों का जो स्वरूप थमाया, उन क्वेश्चनों के स्वरूप में सभी के समान क्वेश्चन थे और उन सभी के समान क्वेश्चनों को आंसर देने थे। अब इसमें क्या होता है कि कक्षा में 50 बच्चे होते हैं, उचित अंतराल नहीं होता बैठने का, तो उसमें जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आगे वाला पीछे वाले के सहयोग से कुछ न कुछ ऊपर नीचे दाएं बाएं कर देता है, इस वजह से आवश्यक निष्कर्ष नहीं निकल पाते उसमें। अब इसमें देखिए, खुले, ये तो हो गया खुली प्रश्नावली विधि, आवश्यक निष्कर्ष भी निकल पाते। दूसरा है इसी में बंद प्रश्नावली। पहला खुली प्रश्नावली, दूसरा बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि किसी भी प्रयोज्य को कुछ क्वेश्चन, निर्धारित क्वेश्चन होते हैं, वो निर्धारित क्वेश्चन डाक के द्वारा किसी बंद लिफाफे में या किसी एकांत जगह में बैठ करके उससे करवाए जाते हैं और फिर उसका अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है, खुली और बंद। तीसरी है सचित्र प्रश्नावली। सचित्र प्रश्नावली में साथियों मैंने बताया कि देखिए इस तरीके का कोई दे देंगे आपको, कोई डायग्राम दे दिया, अब ये डायग्राम दे दिया कि आपसे पूछेगा कि ये क्या है, ये सेब है कि अनार है कि क्या है। अब इसको बच्चे जितने भी हैं, जिस जिस वातावरण में रहे हैं, जिस जिस चीज़ को वो जानते हैं, ऐसी चीज़ को उन्होंने देखा है, वो तो उनका नाम लिख देंगे कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ है, जिन्होंने जैसा देखा है वो वैसा ही उसका नाम लिख देगा। इससे ये तो होगी हमारी सचित्र प्रश्नावली। चौथी है मिश्रित प्रश्नावली। इसमें क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो है बच्चा देख करके भी करता है इधर उधर से, और बंद प्रश्नावली का भी इसमें मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अलग अलग दे दिए जाते हैं ताकि बच्चा उसमें भ्रमित रहता है कि ये क्वेश्चन तो इस वाले में है ही नहीं। तीसरा सचित्र प्रश्नावली, इसमें कुछ चित्रों का स्वरूप रहता है। इन तीनों का जिसमें मिश्रण किया जाता है वो प्रश्नावली कौन सी कहलाती है, मिश्रित प्रश्नावली। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।